अगली खबर चमोली से है, जहां देश भर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मंगलवार को कर्णप्रयाग में डिग्री कॉलेज के छात्रों ने सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने दोषियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की। बता दें कि आए दिन महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, जिसके चलते महिलाएं खुद को हर जगह असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाली इन घटनाओं पर कठोर से कठोर कानून बनाए जाने की जरूरत है, ताकि कोई आगे से ऐसी घटना को दोहरा ना सके। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में तमाम प्रकार की घटनाएं बहनों के साथ, बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार एक लंबे समय से हो रहे हैं, इसके खिलाफ आज महाविद्यालय की तमाम छात्राओं ने एक जन आक्रोश रैली यहां पर निकाली है। इस रैली का मकसद केवल यही है कि देश में जो ऐसे अत्याचार हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहे हैं, ये ना हो, इस पर पाबंदी लगे और हमारी बहनों को न्याय मिले। तमाम घटनाएं हमारे क्षेत्र में लगातार लंबे समय से हो रही थी, जिसके खिलाफ में आज हमने ये रैली निकाली है और इसका मैसेज आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जाएगा कि कर्णप्रयाग में अभी बहन बेटियां सोई हुई नहीं है, ये अपने मांगों के लिए, अपनी अधिकारों के लिए लड़ रही है। आजकल हमारे भारत देश में लड़कियों के कई किस्से सुनने को मिलते हैं, जैसे कोलकाता में हो गया, हमारे देहरादून में हो गया, छोटी छोटी जगहों से। जब हम ही लड़कियों को इसका आगे एक कदम उठाना पड़ेगा, तब जाके हम देश में आवाज उठा पाएंगे। और आज इस रैली के हमारे माध्यम था कि हम अपने कर्णप्रयाग से एक रैली निकालकर पूरे देश में आवाज दें कि जो भी ये हो रहा है गलत हो रहा है, और हम हमेशा आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। बेटियों के लिए हम हमेशा खड़े हैं, और इसके लिए मैं कहना चाहूंगी, अगर बेटियां, आप सबसे पहले तो बेटियों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जब बेटियां आगे आएंगी तभी पूरी दुनिया को पता चलेगा कि हाँ, बेटियां किसी से डरती नहीं है, बेटियां भी कुछ कर सकती है।